नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, एक तरफ जहां कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही थी, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस को घेरने के लिए एक नई ही चाल चली। इस बार उनका मुद्दा था कि राहुल गांधी आखिर स्थापना दिवस से एक दिन पहले विदेश यात्रा पर क्यों चले गए। अब इस मुद्दे को लेकर कई बातें की गई। कहा गया कि किसान आंदोलन चल रहा है, कोरोना काल है, ऐसे में राहुल गांधी विदेश यात्रा पर क्यों चले गए। उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाने लगा, कोई रणछोड़ कहने लगा तो किसी ने कहा कि नानी के यहाँ जाना इतना जरूरी क्यों था राहुल गांधी के लिए। लेकिन इन सभी बातों का कांग्रेस ने एक परिपक्वता के साथ जवाब दिया, जवाब भी ऐसा कि शांत रहे, मगर जिनको समझना था वो समझ गए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के अपने कहीं भी जाने से या किसी विदेश यात्रा पर निकलने से स्थापना दिवस का कोई भी कार्यक्रम कहीं पर भी नहीं रुका, क्योंकि कांग्रेस में पहले से ही कई वरिष्ठ नेता हैं और साथ में राहुल गांधी उन वरिष्ठ नेताओं पर इतना भरोसा करते हैं कि वो जानते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में अगर कोई भी कार्य होता है तो वो बखूबी संभाल सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ ये भी थी कि पूरे देश में कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मिलकर कई तरह के, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो या फिर उसके अलावा जो कृषि कानून है उनके विरोध में आवाज़ बुलंद करना, वो लगातार उन्होंने बखूबी किया। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी का मुद्दा था कि राहुल गांधी आखिर विदेश यात्रा पर क्यों गए। अब इसके साथ कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या किसान आंदोलन को राहुल गांधी का यहाँ होने से रोका जा सकता था, या फिर राहुल गांधी किसान आंदोलन में जो किसानों की मांग है उनको पूरा कर सकते हैं, जबकि ये काम तो केंद्र सरकार का है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यही है, देश में ही है, लगातार किसानों ने मांग भी की, उनसे बात करने की, उनके सामने अपने मांगे भी रखी, तो अब तक वो किसान आंदोलन क्यों नहीं खत्म हो पाया है, क्यों किसानों की मांग नहीं सुनी जा पाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी अभी ना तो पार्टी के अध्यक्ष हैं और ना ही उन्होंने किसी भी तरह से असंवेदनशीलता का परिचय दिया है, ना ही उनके होने से या फिर ना होने से कांग्रेस पार्टी का कोई भी काम या स्थापना दिवस का आयोजन रुक सका है। क्योंकि अगर बात महज कदकाठी की जाए तो राहुल गांधी से अधिक परिपक्व और अधिक अनुभवी नेता मौजूद हैं जिन पर राहुल गांधी को भी भरोसा है। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी के लिए सही फैसले लेने में वो लोग भी सक्षम हैं। इस एक्टिव मोड के तहत ही कांग्रेस ने देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ राजस्थान में जिला और ब्लॉक स्तर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में सेल्फी विद फ्लैग अभियान भी चलाया गया। देश में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए कांग्रेस ने जय जवान जय किसान नारे के साथ राज्य में किसान संवाद कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जिसका मकसद किसान की आवाज़ को सुनना है, जो काम देश को चला रही सरकार नहीं कर पाई है। 28 से 30 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत कांग्रेसी नेता कृषकों के जो मांगे हैं उनको उठाएंगे। इसी के साथ 10 जिलों में किसान संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने हैं, जिससे कि जो किसानों की मांगे हैं, जो आवाज़ दबी हुई है उसको उठाया जा सके। तो कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस ने कई कार्यक्रम किए, कांग्रेस ने कई अभियान भी चलाए, किसानों की आवाज़ भी बुलंद की, लेकिन वहीं मुद्दा ये नहीं रहा कि किसानों ने क्या किया या फिर किसानों की क्या मांगे हैं या किसान जो ठंड में परेशान हैं उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, जबकि इसके बजाय मुद्दा बना दिया गया कि आखिर राहुल गांधी छुट्टी पर क्यों गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज़ तो साफ होती है कि अब ज़रूरत है कि आम व्यक्ति भी समझे कि जो ये निम्न स्तर की राजनीति है जिसमें मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है और ध्यान भटका कर किसी की निजता का हनन किया जाता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ये कितना गलत है। इसी के साथ ज़रूरत है कि अच्छे और बुरे राजनेता की भी परख की जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बात साफ है कि जो स्थिति अभी देश की है, जिस तरह देश में अब लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, वैसे ही स्थिति और भी दयनीय हो सकती है। इसी के साथ एक चीज़ ये भी है कि यहाँ ज़रूरी मुद्दा होना चाहिए था किसानों का,
यहाँ मुद्दा होना चाहिए था किसानों की मांग, यहाँ मुद्दा होना चाहिए था किसानों का आंदोलन, और सबसे बड़ी चीज़ वो तीन कृषि कानून जो बिना किसी से पूछे लागू कर दिए गए, और उसके बाद भी इतने लंबे समय से संघर्ष जो किसानों का चल रहा है, अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से उसे कैसे खत्म नहीं किया गया है और उनके लिए कोई भी एक ऐसा फैसला नहीं किया गया जिससे कि किसान सहमत हो, जबकि इसे सबसे बड़ा हार माना जा सकता है केंद्र सरकार की। और ऐसे में केंद्र सरकार से सवाल करने की बजाय अगर सवाल खड़े किए जाते हैं कि राहुल गांधी छुट्टी पर क्यों गए हैं, तो साफ तौर पर समझ आता है कि इस समय जो लोकतंत्र है, इस समय जो स्थितियां आ चुकी है, या फिर इस समय जो मीडिया है वो कहाँ आ चुका है और किस तरह के सवालों को दागा जा रहा है। ज़रूरी है कि आम व्यक्ति अब सजग हो, आम व्यक्ति सवाल करे, आम व्यक्ति पूछे, आम व्यक्ति समझे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी और देश जिस दयनीय स्थिति में पहुंचता जा रहा है वहां पर इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और विकास यूं ही अवरुद्ध रह जाएगा। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।